श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो दोस्तों, विवाह नहीं हो रहा है, हर उपाय कर लिए पर विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने शिव मंत्र शिव महापुराण की कथा में एक बहुत सरल उपाय बताया था। इसमें क्या करना है, हमें बेलपत्री के जो जड़ होती है उसकी माला बनाना है और उसकी माला से जाप करना है। अब वो माला मार्केट में नहीं मिल रही है आसपास कहीं, मैंने पता किया मार्केट में नहीं मिल पा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप घर पे ही उस माला को बना ले। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। क्या करेंगे, जो जड़ होती है ये डंडी होती है, और डंडी को हम काट लेंगे। थोड़ा काट लिया अपन ने, मैंने क्या करा 27 27 27 ऐसे करके मैंने डंडी काट ली है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 27 डंडी को आपको एक धागे में बांध लेना है, जैसे कि मैंने बांधा है, आप वीडियो में देख के समझ लीजिए। इससे बनाएंगे हम बेलपत्री की जड़ की माला, क्योंकि मार्केट में नहीं मिल पा रही है इसलिए मैंने घर पे ही बनाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस माला को बनाकर आपको पहले चढ़ाएंगे भोलेनाथ के मंदिर पर, शिव मंदिर पर भोलेनाथ को समर्पित करिए। अपनी कामना कहिए कि हे बाबा, मैंने इस कामना से ही माला का बनाई है, अब मैं इसका जाप करूंगी, इस माला से आप मेरी कामना अतिशीघ्र पूरी कर दे। फिर आपको इस माला को उठा लेना है। फिर इस माला को उठाकर आप जाएंगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, वहां बैठकर आपको, आप चाहो तो जितनी बार माला जाप कर सकते हो, वैसे गुरुजी ने कोई विशेष नहीं बताया है, मैंने तो 108 बार जाप किया है, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए और आप देखेंगे आपकी कामना बहुत अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा।